महंगाई मुक्ति मोर्चा की। बढ़ती महंगाई से कोई भी चीज अछूती नहीं रह गई, फिर चाहे वो घर का खर्च हो या फिर बच्चों की पढ़ाई या उनके खिलौने। आलम यह है कि बच्चों को पढ़ाना तक दुश्वार होते जा रहा है। पढ़ाई और खिलौने के बढ़ते हुए खर्च को कम करने के लिए अहमदाबाद की एक सोसाइटी ने अनूठा तरीका निकाला है, बता रहे हैं जी बिजनेस संवाददाता केतन जोशी। इस वक्त हम अहमदाबाद के आर्यमान सोसाइटी में खड़े हैं और आइए यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि यहाँ के अभिभावकों ने इन्फ्लेशन से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। ये आर्यमान सोसाइटी में रहने वाले रोहन का कमरा है। रोहन के साथ कमरे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रोहन के भाई बहन नहीं बल्कि सोसाइटी में रहने वाले उनके दोस्त हैं। आर्यमान सोसाइटी में रहने वाले बच्चे एक साथ पढ़ाई करके बिजली का खर्च तो बचा ही रहे हैं, साथ ही बुक्स की शेयरिंग कर किताबों पर होने वाले खर्च को भी घटा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चे शेयरिंग करके कैसे खर्चों को कम कर रहे हैं। अगर महीने के औसत खर्च पर नजर डालें तो एक बच्चा खिलौने पर 300 रुपए, रेफरेंस बुक्स पर 1500 रुपए, पिकनिक पर 500 रुपए, स्कूल ड्रेस पर 100 रुपए, स्कूल की किताबों पर 400 रुपए और दूसरी किताबों पर 200 रुपए खर्च करते हैं, यानी करीब 3000 रुपए महीने का खर्च। और अगर सोसाइटी में 50 स्टूडेंट्स हैं तो कुल खर्च 1.5 लाख रुपए, लेकिन शेयरिंग करने पर यह खर्च 3000 से घटकर करीब करीब आधा हो गया है। शेयरिंग सिस्टम के बाद खिलौनों पर 100 रुपए, रेफरेंस बुक्स पर 750 रुपए, पिकनिक पर 300 रुपए, स्कूल ड्रेस पर 70 रुपए, किताबों पर 180 रुपए और नोवेल पर 100 रुपए का खर्च आता है। मतलब शेयरिंग के बाद यह खर्च करीब 1500 रुपए हो गया। इस लिहाज से अगर 50 स्टूडेंट्स पर कुल खर्च निकालें तो वो आता है करीब 75000 रुपए। पेरेंट्स भी बच्चों के इस शेयरिंग सिस्टम से खासे खुश हैं और उन्हें बच्चों के शेयरिंग सिस्टम का फायदा भी मिल रहा है। बच्चों के ऊपर खर्चा आ जाता है बुक्स के ऊपर 3000 के करीब, तो वो 1500 के करीब हो सकता है अगर हम शेयरिंग करें। सब ने मिल के इकट्ठा, मतलब 3-4 बुक एक पेरेंट खरीदता था तो हम लोग को ऑलमोस्ट 25%, जैसे पहले 7000 का खर्चा होता था रेफरेंस बुक का, तो अभी 2500 के ऊपर आता है। यानी केवल पेरेंट्स ही नहीं बच्चे भी शेयरिंग कर महंगाई से निपटने में माँ बाप की मदद कर रहे हैं। इस सोसाइटी में रहते हैं 50 स्कूली बच्चे और यहाँ के अभिभावकों ने दिखाई समझदारी और शुरू की शेयरिंग सिस्टम। इससे कुल 50 बच्चों पर एक महीने का 1.5 लाख का खर्च था वो घटकर हो गया 75000, मतलब प्रत्येक बच्चे पर 3000 का खर्च था वो हो गया 1500 रुपये। आपका फायदा 1500 रुपये हर महीने। केतन जोशी, जी बिजनेस, अहमदाबाद। और महंगाई मुक्ति मोर्चा नाम किस